अब पता चला एनर्जी कृष्णा कृष्णा ही है। सोहेल साहब मैं सच्ची बताऊं, कॉमेडी सर्कस कभी नहीं छोड़ना, मैं सच्ची बोल रहा हूं। बहुत पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा विपुल के पास मैं आपको बता नहीं सकता। और सबसे ज्यादा पैसा आपकी वजह से आएगा। हमारी तो छोटी छोटी पेमेंटें मार के बंदा क्या कर लेगा, वो आपके एक शो की पेमेंट मार ली तो पूरा 1 BHK खरीद लेगा वो। खैर हमारा होटल आपने देख ही लिया है, शरीफ लोग यहाँ पे आते हैं, लगे रहो होटल है अपना। तो सेलिब्रिटी बहुत आते हैं, दिल नहीं उनका, कभी किसी ने कुछ टिप नहीं दी। लेकिन सोहेल साहब जब भी आते हैं दो दो के नोट देते हैं हमको, दो दो के नोट। नहीं नहीं, हेलो अर्चना जी, मैं सच्ची बताऊं, एक बार 100 रुपया दिया था। अच्छा, मैं हैरान हो गया, 100 रुपया। कहते बस किसी को बताना नहीं मैं किसके साथ आया था। मैं कह सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप अकेले होते तो बता देता, लेकिन श्रुति हमारी बहन है इसकी, अरे बात तो सुन लो, श्रुति हमारी बहन है इसकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा आप किसके साथ आए थे। बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं, मेरी इतनी बेइज्जती होती है, इतना बड़ा होटल, कहते अपने आप को हीरो हैं लेकिन होते कॉमेडियन है। हेलो सर, ये क्या किया आपने? साले तुम लोग मेरी बेइज्जती करते रहते थे ना, आज मैं भी सबको बोल सकता हूँ कि मेरी 4-5 फिल्में फ्लोर पर हैं। नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये कुर्सी क्यों लेके आए हो? कहीं भी जाता हूँ कोई कुर्सी नहीं देता मुझे, और जज जाते हैं कुर्सी की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, कुर्सी इज्जत होती है, मैं अपनी इज्जत साथ में लेके घूमता हूँ। हाँ सर, चलो सर जो भी है, चलो छोड़ो लड़ाई झगड़े क्या करने। सबसे पहले आप ये बताइए, हाँ, कि कोई फिल्म तो नहीं मिली आपको? क्या बात करो, ऐसा कैसे हो सकता है यार, तुम कभी ना। वही मैं कहूँ, लेकिन हमें सबको थोड़ा सा शक हो गया था आपको फिल्म मिली है। शक काहे को हो गया था तुमको? नहीं वो एक दिन चंकी पांडे है, बड़े परेशान थे वो। चंकी पांडे क्यों परेशान था? अपना अपना लेवल होता है सर, आप समझो ना। अब आपको सलमान खान तो हो नहीं गए, शाहरुख को परेशानी होगी। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? साले तुम लोग कहते रहते थे ना कि मेरे खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो कुत्ता कमीना कृष्णा कहता था मेरे खाने के वांदे। ये देख रहे हो करोड़ों का होटल, यहां पर छोले भटूरे पे ड्यूटी लगी है मेरी किचन में। नहीं 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 नहीं, ये झूठ है, ऐसा हो नहीं सकता। अंदर कोई सेलिब्रिटी आपको देख ले तो? देख ले तो क्या, शब्बीर कुमार भी अंदर ही है। सिंगर पते क्या, अगर शब्बीर कुमार जी नहीं होते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। क्यों? उन्होंने कहा बेटा तू जाकर शकल कर, तेरे भटूरे मैं तल दूंगा। कमाल है, फिर उनका एहसान है यहाँ पर। अरे खा के एहसान है, जब वो शकल करने जाते हैं उनके मटर भी मैं ही तो छीलता हूँ। यार ये क्या बात। और एक बात कहूँ? हाँ जी। अगर जैकी दादा नहीं होते ना तो शब्बीर कुमार जी भी नहीं होते। मैं समझा नहीं। अरे भटूरे कहाँ से तलेंगे, वो दादा ही तो चंदी सुधा तेल लाकर देते। मैं समझ गया, इसका मतलब ये होटल, हाँ, दादाजी की वजह से चलता है और शब्बीर कुमार जी की वजह से। ये होटल चलता है राम गोपाल वर्मा की वजह से। यार ये बंदा क्या श्रुति कंफ्यूज कर रहा है मेरे को, राम गोपाल वर्मा जी कहाँ आ गए पीछे? अरे होटल के जो मालिक है ना, हाँ, रामू जी की फोटो दिखाते हैं, हाँ, क्लाइंट को, और कहते देखो मार्केट में नया गुलाब जामुन है, और ऐसे फंसाते। यार फोन है, फोन। हेलो, हाँ शब्बीर भाई बोलो। भटूरे तल दिए, अच्छा क्या आलू मटर पनीर में से पनीर गायब है? वो शानू साहब बिना चबदे को पनीर खा जाते हैं यार, यार हमारी नौकरी चली जाएगी मैं बता रहा हूँ। अच्छा अविनाश वधावन ने सिलेंडर भिजवा दिया? ओके ओके, सुरेश ओबराय को बोलो जरा जल्दी पालक पनीर बनाए जल्दी से, मैं आ रहा हूँ। मैं क्या करूँ अब स्टैंड अप, हाँ चलो जादू कर लेते हैं। पहली बार देखा ना 1000 का नोट, ये देखिए अब गिनना शुरू करो कितने नोट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये होती है बात। अब देखो 1
तीन, एक दो तीन चार पांच छह और करूं? नहीं बस बड़े बस। लालची लोग करते हैं, यही काम करता हूं मैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं भूले भटके, मेरे से रास्ता पूछ। राखी सावंत जी आए थे एक दिन, कहते यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड किधर है? मैं कहा ग्राउंड छोड़ो, आप कमरा ले लो, ऐसे अच्छा नहीं लगता खुलेआम। अगर आप वहां पे मेकअप करेंगे खुलेआम लोग आपको देखेंगे। अबे साले कवर काहे को कर रहा है, जब वो खुद कवर नहीं करती तू मत कवर किया कर। ना इसको बोलो अपना स्टैंड अप करके चला, मेरे को करने नहीं देता। यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं, लेकिन अर्चना जी आप हैरान होंगे, आप यहाँ पे आ रहे हो अभी इसी वक्त। एक मिनट में हाथ धो के आऊं। क्या वो सिद्धार्थ जादव वाले मेरे हाथ? एक मिनट धो के। नहीं नहीं फिक्र मत करो, मेरे भी राजीव निगम वाले मिला। अच्छा और कैसे आप? बस एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा समझ गया, डिस्को के लिए आए हो? डिस्को के लिए आप डिस्को में आए हो ना? लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ कपल अलाउड है, इसलिए आप किसी लड़की को साथ लेके आओ। बकवास बंद करो। जजू मैं जज, मेरे को रिस्पेक्ट है। डिस्को के लिए आया कुत्ता। सलाम साहब, माइंड ब्लोइंग साहब, आई वांट टू टेक यू होम साहब। अरे अर्चना जी आप क्या करें, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी आप क्या कर रहे हो? क्या करूं मैं, वहां पर पेमेंट नहीं देते कुत्ते पहले। नौ महीने से मैंने अपने बिजली का बिल नहीं भरा, पता है? बिजली वाले घर पे आ गए, कहते हैं नौ महीने में तो बच्चा भी क्लियर हो जाता है, बिजली का बिल तो क्लियर करो। इससे तो अच्छा मैं तभी थी, पता है जब बदमाश कंपनी रिलीज हुई थी, परमीत के साथ मैंने बहुत पैसा कमाया था, तभी बहुत लकी थी मैं तभी। ये कैसे हो सकता है डायरेक्टर, वो पैसा आपने कैसे कमाया? नहीं जब पिक्चर थिएटर में लगी थी ना, मैं थिएटर के बाहर पेरू बेचती थी। परमीत ने मेरे को बोला था, अर्जु हम लोग दोनों मिलके दुनिया को बताएंगे साथ में सक्सेसफुल होंगे, जब भी मेरी पिक्चर लगेगी तो बाहर पेरू बेचना। भगवान इतना निर्दय नहीं हो सकता, दोनों में से एक काम तो हिट करेगा ही वो। देख लो किस्मत है दोनों हिट हो गए, जोरदार तालियां। पर अर्चना जी ये आप क्या कर रहे हो, ऐसे बेइज्जती होती है? अरे छोटी मोटी नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम है मुझे। एक साल से दूध का बिल नहीं भरा, पता है मैंने? दूध वाला भैंस को लेकर घर पे आ गया। भैंस को लेके? हाँ, मैंने बोला साले भैंस को क्यों लेकर आया? हाँ? बोलता मैं नहीं लाया, भैंस मेरे को लेकर आई है। कहती मैं दीदी से फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ। मालूम है भैंस ने परमीत को कितना डांटा? साला फ्री में दूध पीते रहते तो ऐसा थोड़ी होता है। अर्चना जी आप हौसला रखिए। खैर मेरी तो अगर आपको इतना बुरे हाल था तो हमको बोलते, हम आपको पैसे के लिए ना कर देते, ऐसा थोड़ी होता है। अरे बकवास बंद कर। हाँ जी हेलो। हाँ सेठ बोलो, मैं तो इधर बाहर ही खड़ी हूँ यार। सेठ भाड़ा नहीं दिया मेरे को अभी तक इधर की। क्या ये मेडिसिन होटल नहीं है? ऐसे नहीं बताऊंगा, थप्पड़ मार के पूछो। ये मेडिसिन होटल नहीं है? जी नहीं नहीं नहीं। ओह माय गॉड, मैं गलत जगह आ गई। मेरे रात के खाने का क्या होगा, पेमेंट नहीं मिलेगी मेरे को। मैं काम करती हूँ, मैं ना पार्ट टाइम जादू भी करती हूँ। भाई हाल होना है। खाली है? खाली है? अब और नहीं निकालूंगी, बस कर। देखा अब नहीं बनाना ना। चलो बाबल मेरा रात का कुछ करवा दो प्लीज। कैसा लगा जादू, पसंद आया? हाँ, डबल रोटी दे। अल्लाह के नाम पे दे दे। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। ओके बहुत अच्छे, थैंक यू थैंक यू। ये ना भगवान सबको देगा, भगवान सबको देगा। हेलो। हाँ परमू, हाँ आज का इंतजाम हो गया। हाँ मेरा हो गया, तुम अपना कर लेना।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.